बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्राहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली स्टार्टिंग विद द ग्रेट नेम ऑफ अल्लाह हू इज़ द मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिसेंट। डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मे एसवीटी सो लेट्स कम टू द इंग्लिश एसवीटी ऑफ द मे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट एनी 10 प्रोवर्ब्स ऑफ योर चॉइस अलोंग विद द उर्दू ट्रांसलेशन। सबसे पहले आपने 10 प्रोवर्ब्स लिखने हैं उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। पहले इसकी उर्दू लिखनी है, फिर इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखनी है, जिसने आप जरा इस तरह आपने 7th क्लास में लिखी थी। सेकंड जो है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, आपने लेटर लिखना है। सेकंड, अपने दोस्त को एक खत लिखना है। डिस्कसिंग, इसमें आपने डिस्कस करना है या शेयर करना है डिफरेंट प्रोडक्टिव क्रिएटिव एक्टिविटीज़ जो आप कर सकते हैं, जो क्रिएटिव एक्टिविटी, क्रिएटिव या प्रोडक्टिव एक्टिविटी से मुराद जो आप अपनी तरफ से बना सकते हैं या अपनी तरफ से कर सकते थे, वो काम जो अपनी तरफ से कर सकते थे, तहलीकी काम, टू डू व्हाइल स्टडिंग एट होम एट क्वारंटाइन। आपने लेटर लिखना है और लेटर में ये डिस्कस करना है या शेयर करना है जो प्रोडक्टिव आपने बनाया, जो आप क्रिएटिव कर सकते हैं। अब सपोज कोई शख्स जो है वो अपनी तरफ से एक ऐसे लिखना चाहते हैं, एक प्रोडक्टिव चीज़ लिखना चाहते हैं, तो आप किस तरह इसको सजेस्ट करेंगे कि किस तरह हमने इन टाइम को यूटिलाइज करना है, तो इसके मुताबिक आपने ये लेटर लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट 10 वर्ड्स फ्रॉम यूनिट 1st एंड 2nd एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस, 5 फ्रॉम ईच यूनिट। 5 वर्ड सेंटेंसेस आपने फर्स्ट और सेकंड यूनिट से 10 वर्ड्स सेलेक्ट करनी है और फिर इनको अपने सेंटेंसेस में यूज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टोरी राइटिंग, सबसे पहले फिर आपने 4th नंबर क्वेश्चन है स्टोरी राइटिंग है। ग्रीड इज अ कर्स, लालच बुरी भला है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, और यूनियन इज स्ट्रेंथ ये 2nd स्टोरी है, ठीक है। हमारे साथ यूनियन इज स्ट्रेंथ, इत्तेफाक में बरकत है। क्वेश्चन नंबर 5, वी हैव मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स व्हिच एंड विद दिस फैक्ट्स इज गिवन बिलो। इसके आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने हैं जो इसका एंड में, इसका इख्तिताम जो है इन अल्फाज में हो, जिस तरह निस जो आता है लास्ट में, हार्मनेस एक्सेट्रा, रिलेशनशिप, गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन, कम्युनिटी एट्सेट्रा, ये हमारे साथ ये ऐसे अल्फाज है जो आप यूज़ कर सकते हैं, वर्ड बना सकते हैं। मेक द वर्ड इन द लेफ्ट हैंड कॉलम टू द डेफिनेशन इन द राइट हैंड कॉलम। फर्स्ट आपका है वेंचरिंग, जो आपने पहले कॉलम के फर्स्ट कॉलम का सेकंड के साथ मैच करना है, ठीक है। सबसे पहले वर्ड है वेंचरिंग, हिम्मत। वेंचरिंग मीन हिम्मत करना, इनेट मीन पैदाइशी या नेचुरल। सेकंड है म्यूकिनिस, मीन डार्कनेस, समथिंग दैट इज डार्क, नॉट शोइंग वेरी क्लियरली, ठीक है। फर्टिफ्रेड, फर्टिफाइड, पेट्रीफाइड मीन खौफ या डर। फिर जो है हमारे साथ टेमिंग वर्ड है टीमिंग, टीमिंग हमारे साथ जो है बी फुल ऑफ समथिंग दैट इज फुल ऑफ समथिंग दैट इज फिक्स, बैट, तंग करना या लर्निंग या स्नीर। फिर हमारे साथ वर्ड 6 नंबर, 7 नंबर, एम्बेडेड, समथिंग दैट इज फिक्स, रूटेड, रिटोर्ट मीन शार्प रिप्ले। दीज आर दिस एसवीटी ऑफ द मे ऑफ मंथ।
So try to write these things with very clearly and very neat. इन सारी चीज़ों को आपने बहुत क्लियरली और नीट लिखना है और सब ये इस वीडियो जो है इसके आपके मार्क्स हैं. डोंट लूज दीज मार्क्स.